नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज। रहमतनगर नालासोपारा में सोमवार को मनपा कर्मियों पर हुए हमले के बाद नालासोपारा तुलिंज पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले ने क्षेत्रवासियों को दी नसीहत। रहमतनगर नालासोपारा में दो दिन पूर्व सोमवार को कार्यवाही को गए मनपा कर्मियों पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर मारपीट किया जाने के बाद क्षेत्र को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील करते हुए शांति बनाने का प्रयास किया था। इसी प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। घटना की गंभीरता के चलते मीरा भाईंदर वसेवीरा और पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने भी क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया था, जिसके बाद कल शाम को क्षेत्र के तुलिंज पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले ने क्षेत्र में जाकर रहमतनगर वासियों को संबोधित करते हुए घटना के परिणाम एवं दुष्परिणाम के बारे में बताया और घटना को शर्मनाक ठहराया। साथ ही क्षेत्रवासियों को नसीहत भी दी। आगे वीडियो में देखिए राजेंद्र कामले की वह नसीहत। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। जिन्होंने महानगर जिन नाम दिया है उसको महानगर पालिका, और वो महानगर पालिका के लोगों को यहाँ के कुछ लोगों ने मारा और बहुत सारे लोगों ने उनको कैसा मार रहे वो देखा। बहुत सारे लोगों ने महानगर पालिका वाले लोगों को कैसा मार रहे हैं। इधर के जितने भी लोग थे वहां पर हाजिर, 500 होंगे, 1000 होंगे, वो लोगों ने देखा। बराबर है, यहां रहने वाले मेरे हिसाब से, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादातर लोग मुस्लिम है। बराबर है, और वो सभी ने देखा। और अपना पवित्र महीना जिसको बोलते हैं वो रमजान का महीना चालू है। बराबर है, उसमें देखा। अभी मैं आपको फिर दोहराता हूं कि मतलब जिसको मारा वो महानगर पालिका के लोग है, महानगर पालिका संस्था है, महानगर पालिका संस्था आपको सुबह पानी देती है। बराबर, हर एक घर में नल को पानी आता है, टैंकर से पानी आता है। बराबर है, यही वही महानगर पालिका के लोग थे जो आपको पानी देते हैं। बराबर है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो यहाँ साफ सफाई कर्मचारी करते हैं ना सफाई, वो भी महानगर पालिका के होते हैं जो कि यहाँ पर साफ सफाई करते। अगर यहाँ पर पूरा एक महीना अगर वो लोग सफाई नहीं करेंगे और एक महीना पूरा आपको पानी नहीं देंगे वो लोग, तो कैसा लगेगा आपको? आपने किसको मारा है, किसको मार खाते हुए देखा है? एक महानगर वाले कर्मचारी हाँ, बड़ी शोभनीय बात है रहमतनगर वालों के रहने के लिए, इधर के रहवासियों के लिए, कि आपने बहुत बड़ा काम किया है क्या ये सर? ये बड़ी शोहरत की बात है क्या? बड़ी अच्छी बात है क्या? मुझे बता दीजिए ये सभी लोग है क्या? बिल्डिंग वाले सुन रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सुन रहे हैं क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है क्या? जो अपने को पानी देता है, जो यहाँ की साफ सफाई करता है, बराबर, जो यहाँ पर रास्ते बनाते हैं, उन लोगों को एक संस्था के प्रतिनिधि को आप लोगों ने मारा। अच्छा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी लोगों ने मारा, मगर सभी लोगों ने देख लिया कि कैसे मार रही है। बराबर है कि नहीं? आप लोग मेरे से अच्छा कुरान सभी लोग जानते हो। कुरान में ऐसा कहीं लिखा है क्या कि दूसरे किसी एक दो चार व्यक्ति को यहाँ के 30-40 लोग मिलकर के मारे, ऐसा है क्या? लिखा है, वो भी रमजान के पवित्र महीने में। तो अपने लिए शर्म की बात है, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने बुरा कुछ किया है, उनके रोजे अल्लाह नहीं कबूल करेगा। बराबर है ना? या कबूल करेगा उनके रोजे? कितना भी कड़क रख दो, किसी भी भगवान में, किसी भी धर्म जात पात के भगवान ने या किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी 3-4 लोगों को 30-40 लोग मिलकर के मारो, ऐसा लिखा नहीं है। ना तो गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना और कोई काश्मीर धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा है। ये सब जानते हैं, सब जानते हुए भी कल आपने जो परसों हुआ हादसा उसके बारे में देखा है। बराबर है, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है आप लोगों से, और बड़े बहुत बड़ी रहमतनगर के रहवासियों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। जो रूल है वो कुछ भी रूल फॉलो नहीं करने का, और जो हमको सहूलत चाहिए वो सहूलत मिलना चाहिए, ये थोड़े ऐसा होगा। तो कल से अभी हमने जो बंदोबस्त में बढ़ोतरी किया है बहुत सारे, आज आप लोगों ने देखा है, हमारे सीपी साहब खुद यहाँ पर आकर के गए हैं स्पॉट देख करके, स्पॉट विजिट जो बोलते हैं वो करके। बराबर है, इसके लिए अभी हमने भी तो यहाँ पर बंदोबस्त बढ़ाए हैं। बंदोबस्त बढ़ाने का हमारा ये मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ हो रोजे के महीने में, ये भी ध्यान दीजिए, मगर आपको लॉकडाउन का पालन जो क्या है वो हम जरूर समझाएंगे यहाँ पर। समझे ना, लॉकडाउन क्या होता है वो हम जरूर समझाएंगे। कल से अगर कोई 11 बजे के बाद इधर से दिखाई देगा रोड पर घूमती हुई बिना वजह, तो ध्यान रखने का। और जो भी आपके कुछ लोग हैं जो कि
पुलिस स्टेशन में हमारे पास आते हैं कि साहब छोड़ दो इसको उसको, उन लोगों को मेरा पहली रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर यहाँ से किसी के ऊपर कार्रवाई किया तो नाक तो आपका सुनूंगा या आपका कोई नेता होगा उसका मैं सुनूंगा, ये ध्यान में रखो आप लोग, समझे ना। और मेरे पास आने का नहीं पुलिस स्टेशन, वरना आपके ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा, समझे। हम आप लोगों का सुनते थे, कुछ लोगों को चलो हम जनता को तकलीफ नहीं देना चाहते, बराबर है। तो आपने ये अभी किया है, तो अभी पूर्णता हम लॉकडाउन का पालन यहाँ पर करेंगे और आपको सिखाएंगे कि लॉकडाउन क्या होता है, समझो। तो इसके बाद आपके यहाँ के मौलाना साहब है, वो आप लोगों को मैंने जो बताया इसी के बारे में मौलाना साहब भी यहाँ पर आपको कुछ समझाएंगे, उनका सुन लीजिए और कल से लॉकडाउन का जो पालन कीजिए, ये मैं यहाँ पर मैं अंत में करना चाहता हूँ। बाकी आपको रमजान के लिए हमारे पुलिस स्टेशन की तरफ से आप सभी को हमारी शुभकामनाएं है, शुभकामना हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो मौलाना साहब तरफ अस्सलाम वालेकुम हजरात, अभी आपके सामने आला अधिकारी आप हजरात को समझा रहे थे, मेरी भी एक गुजारिश है कि रमजान के महीने में आपने जो समझाया है आप हजरात ये अहद करें, ये वादा करें कि हम इनकी बातों पर अमल करेंगे। आप लोग अपने हाथों को उठाएं, हमारा ये वादा है कि हम साहब की बातों का जो है ध्यान करते हुए हम उसको मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो परसों यहाँ हुआ है आप लोगों ने देखा है अपने आंखों से, बहुत शर्मसार की बात है। हमको रमजान के महीने में ये काम नहीं करना चाहिए, रमजान का महीना अमन मोहब्बत का महीना है, रमजान का महीना रहमतों का महीना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहमत बरसाता है। और हम लोगों के साथ क्या किए हैं आप खुद सोचें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ हमारे ऊपर रहमत का नुज़ूल फरमाता है इस महीने में, और हमने क्या किया है आप खुद सोचिए कि अल्लाह ताला हम पर रहमत बरसाता है और आप जहमत बन गए हैं लोगों के ऊपर, ये कौन सा दीन है। इस्लाम यही सिखाता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि साहब ने जो फरमाया है हम उस पर अमल करेंगे और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और साहब ने जो कहा फरमाया है कि सुबह 7 से 11 बजे तक सब्जी की दुकान, जिसके पास दुकान है वो अपने दुकान के अंदर सब्जी बेचे और दूध की दुकान और किराने की दुकान, ये इतनी दुकानें खुली रहेंगी 11 बजे तक। 11 के बाद जिनको जिनकी जरूरियात हो 11 बजे से पहले वो अपनी जरूरियात को पूरी कर लें, और अगर इसके बाद कोई आदमी फालतू रोड पर टहलते नजर आएगा अगर साहब कार्रवाई करेंगे तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। और वालदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपने घरों में रखें, बच्चों को रोड पर घूमने ना दें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।